नमस्कार, आप देख रहे हैं ईबे पर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने एक बार फिर से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ हमला बोला है। हमला ही नहीं बजावते उन्होंने भाजपा को नसीहत देते हुए रघुवर दास पर नकेल कसने की नसीहत दे डाली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि भाजपा श्री दास पर नकेल कसने में कोताही बरतेगी तो वे ईडी के साथ सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करवाएंगे। दरअसल सरयू राय जमशेदपुर के सूर्य मंदिर को लेकर उपजे विवाद को लेकर कुल्हान के सभी जिलों में घूम घूम कर भाजपाओं और रघुवर दास के करतूतों और पोल खोलते हुए निकले हैं। इसी कड़ी में बुधवार को वे आदित्यपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सूर्य मंदिर कमेटी के नाम पर वहां करोड़ों रुपए के सरकारी पैसे के घोटाले हुए हैं। क्षेत्र में वहां से पहले जो विधायक रघुवर दास जी, वे और उनके समर्थक ये चाह रहे हैं कि मैं सूर्य मंदिर के आसपास 4 एकड़ सरकारी जमीन है उस पर मैं कोई काम न करूं। विधायक जी से मैं चाहता हूं कि बड़ा है, पैर से लोग रोते धाते हैं, उसको पेडेस्टल बनाकर चबूतरा बनाकर ऊंचा पर रखा जाए। वहां जो 2 तालाब बने हैं, पहले वोटिंग होती थी, मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए सिंगल सीटर या डबल सीटर पैडल से चलने वाले बोट 4-4 लगा दिए जाएँ तालाब में। मैं चाहता हूँ कि वहाँ कबड्डी का कोर्ट बन जाए, उसके बाहर में बास्केटबॉल का कोर्ट बन जाए, बिलियार्ड हो जाए, बिलियार्ड का हो, इंडोर गेम्स में कैरम का और इसका टेबल टेनिस का, ये सब उसको मैं खेल परिसर के रूप में चाहता हूँ कि जमशेदपुर में सारी खेल की सुविधाएं टाटा स्टील के पास हैं और बहुत महंगा चार्ज है उनका। स्विमिंग बच्चों का कराते हैं 600 रुपया महीना, लेके हम लोग कराना चाहते हैं 150-200 रुपये महीने उनकी ट्रेनिंग। तो एक अच्छा खेल परिसर टाटा स्टील के समानांतर उसके एक प्रभाव के बाहर सरकार के अधीन चले, ये 4 एकड़ की जमीन में मैं करना चाहता हूँ। और ये लोग इस काम को रोक रहे हैं, साहब आपको हम नहीं करने देंगे, क्योंकि 25 वर्षों से हमारा कब्जा था इस पर और सारा पैसा उसमें सरकार का लगा है, जमीन सरकार की है, पैसे जो आए हैं विधायक निधि से, सांसद निधि से, पर्यटन विभाग से, सबके सब आए हैं सरकार के पैसे। तो माल महाराज के मिर्जा खेले हैं और उसे व्यवसाय करते रहे हैं। 2015 में जब मुख्यमंत्री हुए रघुवर दास जी, सारा नियम कायदा कानून तोड़ के अपने चहेतों को दे दिया कि आप चलाइए इसको, और सरकार के रिकॉर्ड में इनको असंचालित दिखा दिया गया, ये चल नहीं रहे सारे। तो ये स्थिति है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जरा ये देखें कि उनके सबसे संगठन के बड़े अहदेदार जो हैं इस राज्य में जमशेदपुर में, वे कर क्या रहे हैं। सरकार की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर व्यवसाय के रूप में अभी तक उपयोग करते आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब उससे जो पैसा मिल रहा है वो पैसा सरकार के खजाने में जाए, जिला प्रशासन को जाए, JNSC को जाए, विधिवत चलाया जाए और एक बढ़िया वहाँ क्रीड़ा केंद्र बने, सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान के नाम से वहाँ खेल हों। तो इसी से उनको तकलीफ हो रही है, एक तो ये विषय था। दूसरा, मैंने कहा कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो मैं बात हो जाऊँगा कि ये जो 50 योजनाएँ रघुवर दास जी के विधायक फंड से वहाँ चलाई गई हैं और पर्यटन विभाग से चलाई गई हैं, सांसद से चलाई गई हैं, ये इन योजनाओं से बताया जा रहा है कि अमुक अमुक ढांचा खड़ा हुआ, ढांचा है कहाँ। में ये उपायुक्त से सवाल पूछना हो क्या, मुझे बता दो दीजिए कि 5-6 ढांचे सूर्य मंदिर के बगल में बने हैं, आज कोई वहाँ ढांचा दिखाई नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैंने आगे एक और बात की है कि भाई ईडी जो भी जांच कर रही है हेमंत सोरेन के खिलाफ में, जांच में यही आ रहा है कि ये जो घोटाले हो रहे हैं वो 2015-16 से हो रहे हैं, और घोटालों के केंद्र में उसमें जो प्रेम प्रकाश थे, वही प्रेम प्रकाश आज मुख्य किरदार हैं हेमंत सोरेन के साथ। ईडी 2020 तक ही जांच करके क्यों फिटक जा रही है, जबकि अपने चार्जशीट में दे रही है कि 2015-16 से पत्थर घोटाला हो रहा है। मनरेगा घोटाला में रघुवर दास जी ने क्लीन चिट दे दिया पूजा सिंघल जी को, और उन्हीं आरोपों में ईडी ने जेल में बंद कर दिया है। ये प्रेम प्रकाश खुद ही शराब की दुकानें चलाते थे रघुवर दास जी के समय में, आज भी चलवा रहे हैं। तो ईडी भी
पारदर्शिता दिखाए और जांच को 2020 के पहले भी ले जाए, यह बात मुझे भी विवश होकर उठाना पड़ेगा। यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से हर जिले में जाकर कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, प्रेस के माध्यम से उनको संबोधित कर रहा हूं। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।